सबसे पहले डालते हैं विंडो आर, इसके बाद रन खुल जाएगा, इसमें डालते हैं विनवर्ड, विनवर्ड डालकर यहाँ पर एमएस वर्ड ओपन हो जाता है, इसके बाद लगाते हैं इक्वल्स टू, इक्वल्स टू लगाकर यहाँ पर लिखते हैं आर ए एन डी, रेंड लगाते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, एक लिखते हैं ब्रैकेट क्लोज एंटर, इसके बाद यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखा आ जाता है, इसके बाद यहाँ पर पेज लेआउट में जाते हैं, इसमें करते हैं फिल कलर, यहाँ से कलर चेंज होते हैं आपके, जो भी आपको कलर करना चाहते हैं वो कलर चेंज होते हैं। इसके बाद वाटर मार्क पर जाते हैं, वाटर मार्क पर हम कोई भी टॉपिक ले लेते हैं, डू नॉट कॉपी का लगा दिया और अप्लाई हो गया। इसके बाद यहाँ पर जाते हैं कस्टम वाटर मार्क में, यहाँ पर हम टॉपिक का नाम लिख देते हैं, जो भी आपको पेज पर डालना होता है इसके अंदर लिख देते हैं हम यहाँ पर आशा कंप्यूटर सेंटर, आशा कंप्यूटर एजुकेशन लिखते हैं, और इसके बाद यहाँ पर ये कलर ले लेते हैं, जो भी आपको वाटरमार्क के अंदर कलर डालना है वो यहाँ से आप कलर ले लीजिए। कलर को यहाँ पे अप्लाई करके दिखाते हैं, देखिए ये हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर कोई दूसरा कलर लगाते हैं, इसे अप्लाई करते हैं, ये कलर होना स्टार्ट हो गया, इसे कर देते हैं सीधा हॉरिजॉन्टली, ये हो गया आपका डायगोनल और एक आपका हॉरिजॉन्टली। अब इसके बाद यहाँ पर ऐसे हॉरिजॉन्टल के जगह पे डायगोनल ही कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, और इसे यहाँ पर ये पिक्चर वाटरमार्क होता है, यहाँ से हम पिक्चर वाटरमार्क लगा सकते हैं, पेज के पीछे फोटो का बैकग्राउंड का कोई भी वाटरमार्क लगाने के लिए यूज़ किया जाता है, ये पेज का बैकग्राउंड होता है फोटो का, देखिए यहाँ पर ये शो करा रहा है। इसके बाद नहीं हमें टेक्स्ट का ही लगाना है, इसे अप्लाई कर लेते हैं, इसे यहाँ से क्लोज कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर कोई पेज का कलर करते हैं, फिल इफेक्ट पर जाते हैं, फिल इफेक्ट से यहाँ पे हमने कोई कलर की जगह पे और कलर की स्टाइल आती है, इसके फिल इफेक्ट को ओपन करते हैं, यहाँ पर क्लिक करा और ये फिल इफेक्ट ओपन हो गया। इसके अंदर वन कलर, टू कलर, इस कलर के अंदर हमें कौन सा कलर मर्ज करना है वो यहाँ से आप कर सकते हैं, जैसे ये शो करा रहा वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, डायगोनल, जो भी आपको स्टाइल आपकी लगानी है वो यहाँ से आप पेज की स्टाइल कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे शो हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर फिर से हम जाते हैं इसी में फिल इफेक्ट्स में, यहाँ पे प्लीज सेट स्टाइल और यहाँ से ओके। इसके बाद यहाँ पे हम फिर से पेज कलर के में अंदर ही जाकर इफेक्ट में जाते हैं, प्लीज सेट स्टाइल में जाते हैं, इसमें से स्टाइल लेकर कोई भी ओके करते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम फिर से फिल इफेक्ट में ही जाते हैं और यहाँ पे पैटर्न लगाते हैं, पैटर्न की स्टाइल जो भी लग रही है वो ओके कर देते हैं, यहाँ से हमारा वाटरमार्क शो नहीं हो रहा है, कोई दूसरी पैटर्न स्टाइल लगाते हैं, फिल इफेक्ट में जाकर कोई भी स्टाइल लेते हैं और यहाँ से ओके कर दिया। इसके बाद यहाँ से फिर से हम जाते हैं पैटर्न में ही, फिल इफेक्ट में जाते हैं, कलर की स्टाइल देकर यहाँ पर फिल इफेक्ट में जाकर और यहाँ से पैटर्न की जगह पे पैटर्न लगाते हैं, जो भी आपको पैटर्न लगना है पिक्चर लगाते हैं, कोई भी आपको पिक्चर लगानी है यहाँ से हम कोई भी पिक्चर लगा लेते हैं, देखिए हमारे सिस्टम में है एक फ़ोटो और यहाँ से ओके कर दिया और ये फ़ोटो आ गया, इसे हटा देते हैं फ़ोटो को, यहाँ पर हम क्लिक करके नो फिल कर देते हैं और इसके बाद यहाँ पर कोई भी स्टाइलिश लेके पैटर्न का या टेक्स्चर का कोई भी टेक्स्चर ले लेते हैं, यहाँ पर टेक्स्चर ले लिया इस वाले टेक्सचर को लेके और यहाँ से ओके कर दिया। इसके बाद यहाँ पर बॉर्डर लगाते हैं, कोई भी अच्छा सा बॉर्डर लगाते हैं, ये लाइन बॉर्डर है, जो भी आपको लाइन अच्छी लग रही है वो यहाँ से आप अप्लाई कर दीजिए, कलर कर दीजिए लाइन को और यहाँ से ओके कर दीजिए, ये लाइन आ जाएगी। इसके बाद अगर आपको लाइन का नहीं लगाना तो आप स्टाइल भी लगा सकते हैं बॉर्डर की, यहाँ से बॉर्डर की स्टाइल लगाते हैं, कोई भी बॉर्डर स्टाइल लीजिए, ओके कर दीजिए, ये देखिए बॉर्डर की स्टाइल आ गई, जो भी आपको बॉर्डर की स्टाइल लगनी है वो यहाँ से आप लगा सकते हैं, इसे आप और नीचे देखिए, ये बॉर्डर की स्टाइल है बॉर्डर शेडिंग की, यहाँ पे ओके कर दीजिएगा और यहाँ से ओके, ये बॉर्डर की स्टाइल लगी। और आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।